तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो आज बहुत मौसम बहुत ख़राब है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो आज का प्लान है कि हम अपने गांव में जाएं और कि वहां पर बहुत पुरानी एक चीज़ है, आप लोग यकीन न मानोगे, और क्योंकि हम लोग भी यकीन नहीं मान रहे, वहीं जाकर आप पता चलेगा कि क्या कुछ है। कहते हैं कि वहाँ पर सतयुग में वो चीज़ बनाई गई थी, उस चीज़ का निर्माण हुआ था। तो सतयुग की बात है, सतयुग से वो अभी तक टिका है। तो अब देखते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं और कैसा है वो सब आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलता हूँ। ये चढ़ाते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चढ़ाया है, देखो सौ। और तो ये रहा वो मंदिर जहाँ पर आज हम आज का ब्लॉग शूट करेंगे। देख सकते हैं आप, इसमें जो एक ख़ास चीज़ है वो है पत्थर। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है। और ये वाले जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये वाले पत्थर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इस पर पूरा ही मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा इस पर टिका हुआ है, इन दोनों पत्थरों पर, एक इस वाले पत्थर पर और एक इस वाले पत्थर पर। और दूसरी चीज़ जो दूसरा पत्थर है इसमें, वो दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये रहा बैक साइड का इसका पत्थर, जो कि एक पूरी वॉल के सेम में है, पूरे दीवार के सेम में है। ये एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है, तो हमने सोचा कि इसे आपको दिखाएं। जितने भी हम लोग आए हैं बड़े कंफ्यूजन में, इतना बड़ा पत्थर कैसे टिक सकता है और कैसे लाए होंगे। जीवन क्या कहना चाहेगा? मैं तो ये कन्फ्यूज हूँ, मतलब ना इतना बड़ा पत्थर मतलब कैसे रखा होगा इसके ऊपर में, और कैसे कौन लेके आया होगा इसको। ये देखो इतना बड़ा पत्थर है, 5 फुट का है, एक दीवार में वाला एक पूरा पत्थर है वाला अंदर। इस लकड़ी की जो लंबाई है लगभग 1 फीट है, तो मैं इस पत्थर को नापने की कोशिश करता हूँ उससे। ठीक है, यहाँ पर 1 फीट हो रहा है, 2, 3, 4 लगभग 5 फीट पूरा है, 5 फीट का पूरा पत्थर है। और ये जो बड़ा वाला पूरा पत्थर 5 फीट का आपको जो दिख रहा है, वो टिका हुआ है इस पे। तो अब जो सोचने वाली बात है कि इतने टाइम पहले ये पत्थर यहाँ पर आएगा कैसे और इसको चढ़ाया कैसे ऊपर, और ये इतने सालों के बाद भी टिका हुआ है, जबकि इतने सारे भूकंप वगैरह आते हैं, इतनी सारी आपदाएँ आती है पहाड़ों में। तो उत्तराखंड में तो उसी भूकंप जोन में है पिथौरागढ़ ना एरिया, तो फिर भी ये पत्थर यहाँ पर बिल्कुल, इनको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे कि तैसे यहाँ पर ये पत्थर है मतलब। उसके बाद आप एक और पत्थर को देखिए, ये वाला, इसकी चौड़ाई देखिए आप, और ये अंदर लंबाई इसकी जो अंदर की तरफ जो इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको कैसे रखा होगा यहाँ पर, किस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है। जैसे ये वाला पत्थर देखिए, ये वाला पत्थर दिखाओ ये कितना लंबा है, इसको भी नापते हैं, 1 फीट 2 करीब 2.5 फीट का भी पत्थर है, और चौड़ाई भी काफ़ी मोटी है, चौड़ाई भी इसकी काफ़ी मोटी है। और उसके बाद ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ही पत्थर है, सबसे बड़ा पत्थर ऊपर में छत की सेम में ही वाला पत्थर है, जिसे वो पानी वानी रोकता है अंदर के लिए ना, पाथर बोलते हैं इसको पानी में। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से है ये, और ये वाला भी देखो दीवार वाला, यहाँ तक पूरा है ये। इसको नाप दो, इसको नापते हैं हम, 1 फीट का है ना, लिख ली 1, 2, 4, 5 फीट, ये भी 5 फीट का है। उसके बाद आसुभा ये वाला पत्थर देखा, जो सबसे बड़ा पत्थर है इस मंदिर में, एक दीवार पूरा एक बार जो पूरी दिवाली कवर कर, दीवार कवर कर रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा बस खाली है। और ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा पत्थर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, अगर ऊपर आके आप देखा आसुभा, इसने पूरी दिवाली बना रखी है ना।
मतलब इस दीवार में और पत्थर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। दीवार को आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ से ऊपर इसको चीना गया है पत्थरों से, लेकिन यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं पूरा जो ये पत्थर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो पत्थर है पूरी दीवार की सेम में है पूरा पत्थर। तो ये पत्थर यहाँ पर आखिर आया कैसे होगा, कैसे इसको खड़ा किया होगा उस टाइम पर, जबकि कोई भी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, और कुछ ही लोगों ने इस तरह से उठा करके इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर लगा दिया। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंज वाली बात है, हमारे लिए सोचने वाली बात है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत लगा है। और ये अंदर का है जो आपको बाहर दिखाया, उसी का अंदर का है, और इसके अंदर इतना प्यारा सजावट बना रखी है देखो। और ये सभी पत्थरों से चिनकर बनाया है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर रखकर, और काफ़ी अच्छा सेव दे रखा है। और इसके अंदर पानी भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, ये किसी ने आग भी जलाई है इसके अंदर रहने के लिए। जो ग्वाला आते हैं उन लोगों ने जब बारिश होती होगी तो तब उन्होंने आग वाग की व्यवस्था कर रखी है, और अंदर बिल्कुल पानी ही नहीं है। तो इतना अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, इतनी अच्छी कारीगरी थी कि अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, इतना बड़ा पत्थर होने के बाद भी बावजूद भी। तो देख सकते हैं, और पूरा पत्थरों से ही चिनकर बना है, 4 से 5 और या तो 3 से 4 फीट की पत्थर हैं इसमें। और इनकी मोटाई आप देख सकते हैं, ये मोटाई इतने बड़े बड़े मोटाई। और तो उस साइड का हम लोगों ने आप लोगों को बताया, अब हम इस साइड आ जाते हैं इधर की ओर। और इधर भी काफ़ी भयंकर भयंकर पत्थर लगाए हैं, जो कि हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कितनी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है, और संदीप भाई बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पत्थर दिखाते हैं आपको, इसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 फीट से ऊपर, ठीक है, और इसकी लंबाई अब नापते हैं, 1 फीट 2 3 4 4 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है, और 1 फीट मोटाई, आधी फीट से। तो एक ये लंबाई पत्थर है इस पर बचा हुआ, अभी एक और पत्थर है इस पर, ये वाला है वो, जो कि ये भी काफ़ी लंबा पत्थर है, यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई भी 5 फीट ही होगी समथिंग ऐसे ना, इसके बराबर ही है, तो ये भी 5 फीट का ही होगा। उसके बाद ये वाले पत्थर दिखाओ ना आंसू भाई, ये देखो, और कटिंग देखो इनकी, काफ़ी प्यारी कटिंग है, डिज़ाइन इसमें देख सकते हो आप कितने अच्छे तरह से उस टाइम पे, मतलब कैसे हथौड़े और छीनी से इसको कैसे काटा गया है उस टाइम पर। सचमुच की बात यू, वो आप जो खाली लालू जंगल पर निकालना का जंगल जैसी न कि काल लालू मंदिर में तली जंगल छू, जंगल बटी एक पत्थर घा भर लाल घा भर में बैठी, एक पत्थर डेली लाल उड़लाऊ, एक पत्थर एक दिन एक पत्थर लाल, दो सात दिन तीसरा दिन करने ले जाएगा उड़लाऊ इकट्ठे करे, फिर होते होते वो लाते लाते जब वही पत्थर इकट्ठे करना, वही यात्री डाल मंदिर में कब से बारिश है कब से किए जहाँ कब से विश्राम करो हल ये सब भी वही ले उड़ला बे धर्मशाव बड़ा वो धर्मशाव की आज ले उड़ला का साबुत जो तुम चाहते जहाँ। तो सतयुग भाई वो धर्म से, और उधर ठुल ठुलू उधर ठुल ठुल जो पत्थर है ना वो शैन महल लाए, शैन महल लाए आपको खा धर्म में जाएगी पेशन जो कि वीर 50 आदमी ले नहीं हगन है वो जग भी यश माया से। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को बताया, अब हमको थोड़ा सा भूख लग गई है, तो ऊपर हम जंगल में जाकर थोड़ा सा मैगी की व्यवस्था करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। और अब हम चल गए हैं, तो आज तो भरपूर पूरी तैयारी के साथ आए हम लोग, मेरे पास ये पानी है और बाकी मैगी और मैगी टुकन के पास है, और कुछ संदीप के पास भी है कुछ, तो अभी चलते हैं। और आसपास बुरांस के फूल भी लगे हैं, टुक्कन हमारा सबसे आगे रहता है हर जगह। अगर आप लोगों ने गुफा वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जीवन सबसे आगे था, मैं आई बटन में लगा दूंगा वो, तो वो जरूर देखें आप लोग। तो गाइस मेरा नाम है संदीप, और वो नहीं देखी लगभग करीब तो यहाँ से 7000 फीट की ऊंचाई पर आ गया समुद्र तल से, देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो व्यू है यहाँ से नीचे कितना अच्छा? जबरदस्त यहाँ पर दिख रहा है ये, अगर मैं यहाँ से नीचे पहुँच जाऊँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब तो यहाँ पर तक पहुँचना भी हर किसी के लिए सपने की तरह होता है, जो लोग बाहर प्लेन से रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, जहाँ पर पहाड़ नहीं है, तो ये लोग इस चीज़ को काफ़ी मिस करते होंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पर, ये बैठे हमारे कुमाऊं के मशहूर सिंगर नीरज भाई, और ये हैं उनके सहयोगी सिंगर
जीवन भाई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद आपको आना पड़ेगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद आपको आना पड़ेगा बेरनाग, बेरनाग के बाद आपको पता करना पड़ेगा दसौली नाम का एक विलेज है। दसौली में आप पहुँच गए तो मैं आपको वैसे ही मिल जाऊँगा क्योंकि मैं दसौली में खुद रहता हूँ। तो वहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ओखरानी कहाँ पर पड़ता है, ओखरानी नाम है इस जगह का, तो ये लोकेशन है इस जगह की, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, देख सकते हैं आप। आप उस टाइम पर स्पेशली यहाँ पर आए जब सर्दियों का टाइम रहता है क्योंकि तब यहाँ पर बर्फ़ रहती है। हिमालय ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, बस पास में ही है, जस्ट यहीं पर हिमालय है क्योंकि आज कोहरे की वजह से दिख नहीं रहा है हिमालय। तो सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर विजिट करना सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ रहती है। तो हम यहाँ पर अब बना रहे हैं, हमने बना दी है मैगी और अब खाएंगे मैगी यहाँ पर। तो एक छोटे से बर्तन हम लेके आए थे घर से जिसमें हम मैगी बना सके, चार लोग हैं हम यहाँ पर, और देख सकते हैं हम यहाँ कहाँ बैठे हैं और कहाँ पर हम मैगी खा रहे हैं। सामने पहाड़ देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऑसम। चलो भाई उठाओ, पूछता भाई लोगों से कैसी बनी भाई मैगी। अरे खाया नहीं है, ऑसम टेस्टी बनी है, एकदम ऑसम बनी है, बहुत ही मज़ा आ गया है मैगी, आप भी खा जाएगा, मज़ा आ गया ना। ये रहा आसमान और ये रहे हम और ये रहे पहाड़, आप प्लेट भी खा रहे हो और हम कर रहे हैं मैगी बाल्टी। तो मेरे पास चम्मच नहीं है तो मैं एक बाज के बड़े वाले पत्ते से खा रहा हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे ऐसे से मैगी ली और खा लिया, सो नेचुरल। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है और अब निकलते हैं घर की ओर। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।